दिल्ली के साधारण नागरिक के ऊपर एक और वार कर दिया है। आज अचानक दिल्ली के अंदर पेट्रोल के ऊपर 1.70 रुपया और डीजल के ऊपर 7.10 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। अचानक दिल्ली के अंदर पेट्रोल के ऊपर 1.70 रुपया और डीजल के ऊपर 7.10 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। वैट के अंदर पेट्रोल में 27% पहले लिया जाता था, उसको बढ़ा करके 30% वैट कर दिया गया और डीजल के ऊपर पहले 16.5% लिया जाता था, लगभग डबल करके उसको 30% वैट डीजल के ऊपर कर दिया गया है। और इसके लिए जहां पर एक तरफ दिल्ली के अंदर दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, उसी तरीके से साथ साथ के अंदर केंद्र की मोदी सरकार भी जिम्मेवार। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि कैसे ये दोनों जिम्मेवार है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कांग्रेस के समय के ऊपर कितनी ली जाती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के समय में, हमारे समय में पेट्रोल के ऊपर 20% हमारी समय के ऊपर वैट ड्यूटी लगाई जाती थी और डीजल के ऊपर वैट ड्यूटी हमारे समय के ऊपर 12.5% था। हमारे समय के ऊपर जो कानून था, वैट का कानून 2004 को जो हमारी सरकार ने पास किया था, उस कानून के हिसाब से आप 20% से ज्यादा वैट की ड्यूटी लगा ही नहीं सकते थे। अब सबसे पहले जैसे ही केजरीवाल सरकार आई, सबसे पहले जो हमारे IRS के केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, 30 जून 2015 को एक बिल इन्होंने विधानसभा से पास किया जिसमें 20% की लिमिट वैट की उसको बढ़ा करके 30% तक कर दिया गया। आप लोगों ने ये तो बड़ा सुना होगा कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार आपस में लड़ रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि 30 जून को जैसे ही ये मेरे पास में पूरे पेपर्स हैं, 30 जून को ये पास किया हुआ बिल है, ये दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2015 के नाम से है। 30 जून को ये बिल पास हो जाता है दिल्ली विधानसभा से और उसके बाद में 14 जुलाई को 2 हफ्ते के अंदर अंदर उपराज्यपाल इसको मंजूरी दे देते, केंद्र सरकार इसको मंजूरी दे देता है। उसके ऊपर लोगों के ऊपर एक और साथ के अंदर दिल्ली सरकार ने एक और बोझ डाल दिया जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इस तरीके से बढ़ा दिए गए, ये शर्म और दुख की बात। दिल्ली सरकार का पिछले 3 महीने के अंदर 4 महीने में कार्यकाल एकदम से खराब रहा है। दिल्ली में हमने देखा कि कैसे माइग्रेंट लेबर, कैसे दिहाड़ी मजदूर पैदल पैदल निकल करके दिल्ली के बॉर्डर्स तक पहुंच करके अपने गांव पे जाने को तैयार और दिल्ली की सरकार कोई मदद के लिए इनके पास में किसी भी तरीके से नहीं आई। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस क्या हालात दिल्ली के शेल्टर होम्स के हैं। आज ऊपर से दिल्ली के अंदर जो मध्यम वर्गीय मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके ऊपर एक और बोझ दिल्ली सरकार ने डाल दिया है।